Good morning students, I am Amita Seth, welcome to in BBVN online classes. And we were studying our chapter number 8, that is Silk Road, and it is written by Nick Middleton. So this chapter is actually about the journey of narrator from Rao to Mount Kailash, and he wanted to complete the Pora there, and that is why he actually planned with the driver Satan and with his friend Daniel. And he was actually traveling through the plains, through the arid pastures areas, through the meadows and through the rocky mountains, then to the bank of the rivers. So actually he is explaining about that, how was his journey and how actually was the road along his journey. Okay, so we'll start the next part of the chapter. The turns become sharper and the right bumpier. तो अब जब वो जा रहे हैं तो जो लेन है यानी कि जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा शार्पर, उनके टर्न्स होने लग गए, यानी मुड़ाव बहुत ज़्यादा शार्प हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर तक जाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली माउंट कैलाश जो है थोड़ी हाइट पर है, तो ऊपर जाने के लिए आपको स्टीप स्लोप्स, एक स्प्रिंग जैसा रास्ता है वहाँ पर, गोल गोल घुमावदार है और बाहर बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स हैं. एक साइड आपको मिलेगी कुछ माउंटेन्स, कुछ रॉक्स, और एक साइड खाई मिलेगी. ठीक है, सो इस तरह की बहुत छोटी छोटी सी पतली सी रोड है, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रास्ता है. प्लस वहाँ पे बम्पियर, बम्पियर यानी कि बहुत ज़्यादा जो ऑब्स्टिकल्स या ब्लॉकेज जो आ जाते हैं, ब्रेक आ जाते हैं, वो भी वहाँ पर थे काफ़ी. सिटन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम. अब सिटन ने अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में लिया और वो ऊपर के रास्ते चलना स्टार्ट हो गए. The track moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that spotted big rocks daubed with patches of bright orange lichen. Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. So actually अब ये जो ट्रैक है वो आईसी रिवर्स के पास में होके जा रहे हैं, और जो रॉक्स हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ ग्रीन कलर के छोटे छोटे से प्लांट्स, जिन्हें हम एल्गी भी कहते हैं. सो इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो आपको रॉक्स पे भी दिख रहे थे, और सनलाइट पड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा चमक रहे थे. प्लस जो वाइट कलर का स्नो है वो उसके आसपास, ग्रीन कलर के आसपास, वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था. और सनलाइट के पैचेस पड़ने की वजह से वो जो एल्गी के पैचेस थे वो काफ़ी चमकीले ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे थे. I felt the pressure building up in my ears. अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो जो नरेटर है उसको ऑब्वियसली ऊंचाई होगी तो एयर प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से उसे सुनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, यानी उसके जो कान है वो थोड़ा ब्लॉकेज सा महसूस कर रहा था. Held my nose knotted and cleared them. We struggled round another tight band and Sitton stopped. So एक और हमने एक बड़ा सा घुमाव लिया और Sitton ने अब अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी. He had opened his door and jumped out of a seat before I realized what was going on. अब वो अपनी सीट से उतरा, गाड़ी रोकी और सीट से उतर कर उसने मुझे पता चलता कि इसने गाड़ी क्यों रोकी है. उससे पहले उसने बोला, स्नो से डेनियल एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो. उसने कहा कि आगे बर्फ आ चुकी है, बर्फ ब्लॉकेज करती है, बर्फ के कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, तो उसने कहा स्नो आ गई है आगे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो उसका फ्रेंड जो डेनियल है वो भी काफ़ी कोल्ड फील कर रहा है. अ स्वैथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन द फ्रंट ऑफ अस. और जो एक बहुत बड़ी जो वाइट स्टफ है वो उनके सामने उनको दिखाई दे रही है, और कम से कम कुछ 15 मीटर्स तक की होगी. बिफोर इट पिटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल री अपियर्ड. तो उनको एक्चुअली 15 मीटर तक वो सारी बर्फ हटानी पड़ी, और काफ़ी बर्फ हटाते हुए तब तक हटानी पड़ी जब तक नीचे की उनको वो मिट्टी ना दिख जाए. द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस. और दोनों साइड उनके स्नो उनको अच्छे से दिखाई दे रही थी. स्मूदिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप स्लाइड. और जो किनारे हैं उसको भी उन्होंने क्या कर रखा था, नीचे किनारों पे से भी नीचे झुक कर खाई की तरफ भी स्नो जो है वो जा रही थी.
द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर अ व्हीकल टू स्केल. अब हमारा जो किनारा था जिसमें हम आसपास चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्टीप था, बहुत ज़्यादा मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ था, जिससे कि गाड़ी के गिरने के चांसेस भी काफ़ी हो जाते हैं. सो देर वॉज नो वे अराउंड द स्नो पैच. आई जॉइन डेनियल एज इट एंड स्टीप्ड मी ऑन टू द अनक्रस्टेड स्नो एंड बिगिन टू स्लीदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड. अब डेनियल भी नीचे उतरा और नरेटर भी सिटन को देखकर और डेनियल को देखकर नीचे उतरे और उन्होंने स्नो को है ना हटाना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वो आगे बढ़ सके. स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अनसर्टेन हाउ स्टर्टी इट वाज. और बार बार अपने पैरों से थपथपा के वो स्टोन को चेक कर रहे थे, सॉरी स्नो को चेक कर रहे थे. कई बार ऐसे होता है कि बहुत गड्ढे हो जाते हैं, उसमें पानी भरने की वजह से बर्फ जम जाती है, तो वो भी एक रिस्की होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है. तो वो पैर से थपथपा के चेक कर रहे थे कि जो स्नो है वो मतलब वहाँ पे कोई गड्ढा तो नहीं है, सब रोड ही है ना, ये सारी चीज़ें वो चेक कर रहे थे कि कितना हार्ड रोड है वहाँ पर. आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच. और तभी नरेटर ने अपने रिस्ट वॉच में देखा. वी वर इट 5,210 मीटर्स अबाउट द सी लेवल. वो 5,210 मीटर अबाउट थे सी लेवल के. द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वॉजेंट इट्स डेप्थ. तो स्नो तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिखाई दे रही थी इतनी, लेकिन जो डेंजर थी वो सिर्फ उसके डेप्थ हो सकती थी, कि हो सकता था कि बहुत ज़्यादा नीचे अगर वो चली जाए, इतना कोई बड़ा गड्ढा हो तो वो ज़रूर उनके लिए डेंजर हो सकता था. डेनियल सेड सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार वुड टर्न ओवर. तो डेनियल ने बोला कि जिस तरह से पानी के ऊपर की जो आईसी लेयर जो तुम्हें दिख रही है ना, कितनी स्लिपरी है ये, अगर इस पर गाड़ी भी हमने चलाई और बाई चांस स्लिप हो गई तो हो सकता है गाड़ी भी उलट जाए. He suggested as he we saw Sutton grab handfuls of dirt and flings them across the frozen surface. तो सिटन ने जो है handfuls ले रखे हैं dirt के, मतलब हाथ में पकड़ पकड़ के वो जो वहाँ की जो मिट्टी गंदगी है, जो स्नो से स्नो और मिट्टी दोनों मिक्स हो चुके हैं, तो वो उनको उठा उठा के हाथों में साइड में फेंक रहा है. ठीक है, पास का जो बर्फीला एरिया है वहाँ पर नीचे की तरफ फेंक रहा है. We both pitched in and when the snow was spread with the soil. और ऐसा लग रहा था हम भी इस काम में लग गए, और जब हमने देखा कि स्नो जो है वो सॉइल के ऊपर बिल्कुल स्प्रेड होती गई, यानी कि वो जब स्नो उठा उठा के फेंक रहे हैं तो नीचे का जो पार्ट है जहाँ पे सॉइली पार्ट है उसके ऊपर स्नो जाकर बिछ गई थी. डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सिटन्स लोड. अब डेनियल और जो नरेटर हैं वो भी व्हीकल की बाहर निकल के सिटन की बार बार मदद कर रहे हैं. ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, ईज्ड द कार ऑन इट टू इट्स आइसी सरफेस एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफिकल्टी. अब सिटन ने गाड़ी स्टार्ट की और पीछे की तरफ बैक लेते हुए ज़ोर से आगे की तरफ जो भी ऑब्स्टिकल है उसको उलांघते हुए उसने आराम से गाड़ी को वहाँ से निकाल लिया. 10 minutes later we stopped at another blockage. 10 minutes बाद फिर एक blockage आ गया. Not good sir, Sutton announced as he jumped out again to survey the scene. This time he decided to try and drive round the snow. अब इतनी बार वो उठा उठा के बार बार तो स्नो को उस गाड़ी के आगे से हटा नहीं सकता, तो उसने कहा कि एक और ब्लॉकेज आ गया, इट्स नॉट गुड. अगर इसी तरह ब्लॉकेज आते रहे तो वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे. तो उन्होंने डिसाइड किया सिटन ने कि इस बार वो कोई भी स्नो नहीं हटाएगा, बल्कि जो ऑब्स्टिकल है उसके साइड से ड्राइव करके और अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल लेगा. ओके, सो दिस इज इट एंड विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग.